Good morning, students. I am Dr. Mamta. Welcome to Word Student co Today, I am going to discuss with you another topic of sexual reproduction in flowering plants. This is the second chapter of class 12th Biology. Outbreeding devices. Before going to outbreeding devices, I want to discuss with you. आप कहोगे बार बार मैम रिपीट करते हैं बट एक्चुअली थिंग इज दिस अंटिल एंड अनलेस यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ मेल एंड फीमेल गमिटोफाइट्स एंड देयर डेवलपमेंट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लेट अस स्टार्ट विद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स क्या मतलब हुआ इस बात का मेजोरिटी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स? मैंने एक टर्म डिस्कस की थी बायोसेक्सुअल दो विच हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन दम जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अगर सेम फ्लावर में प्रेजेंट हैं, तो दैट फ्लावर इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर अब आप खुद समझो मैंने जब पॉलीनेशन टीच किया था तो मैंने ऑटोग्रामी टीच की थी अगर आपको याद हो कि एक फ्लॉर में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हैं मेल भी है फीमेल भी है पॉलिनेशन कैसे होगी डेफिनेटली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लार तो ये तो सिर्फ क्या हो गई ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन है ना जी सेल्फ पॉलिनेशन हो गई बट इफ कॉन्टीन्यूड सेल्फ पॉलीनेशन प्रोसेस्ड अगर कॉन्टीन्यू सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस्ट कॉन्टीन्यूली देन इट रिजल्ट इन द सर्टेन स्टेजेज और सर्टेन प्रोसेस विच आर नॉन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन की स्टेज आ जाती है तो आप ये बात समझिए कि ये टॉपिक पॉलिनेशन से रिलेटेड है आपने अगर पॉलिनेशन समझ लिया तो आपको पता लगेगा कि ऑटोगमिंग सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो सेल्फ पॉलिनेशन ही होती रहे एक ही फ्लार में क्रॉस पॉलिनेशन हो ही ना तो क्या होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आगे देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डिवेलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन क्या मतलब हुआ फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डिवेल्प्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन वाई Why flowering plants are devising many devices to discourage self pollination? अगर self pollination discourage की जा रही है तो क्यों की जा रही है Why it is important to encourage cross pollination? Cross pollination से क्या आता है Variations. Something new is produced. कुछ नया produce होता है तो इसीलिए क्या किया जाता है Prevent किया जाता है self pollination को और इनकरेज किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट नॉट्रोनाइज जब मैंने आपको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन टीच किया था तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि देर इज अ डायलॉग बिटवीन द पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी तो वो कहता है कि इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज

पोलन अभी रिलीज ही नहीं हुए यहाँ स्टिग्मा रिसेप्टिव होना था पोलन पहले रिलीज हो गए मतलब no तो इस तरह से कुछ देखा जा रहा है आगे देखते इन अदर स्पीशीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन हमें पता है वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स नाउ The anther and stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Stigma and the anther are placed at different positions. दे आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट पोलन कैन नाट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिगमा हमारा परपज क्या है हमारा पर्पज़ है कि जो पोलन है दैट शुड नाट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिगमा ऑफ द सेम फ्लावर बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रवेंट सेल्फ पोलीनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन ना अब बोथ दीज डिवाइसिज प्रवेंट ऑटो गेमी देखो ये जो डिवाइसेस हमने कहा कि देर इज सिंक्रोनाइजेशन की बात की और हमने कहा कि अगर स्टिग्मा और uh, ये जो है स्टेमन्स हैं अगर ये अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे हों डिफरेंट पोजीशन पे होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन जो है प्रवेंट होगी दिस विल प्रवेंट सेल्फ पॉलिनेशन थर्ड डिवाइस टू प्रवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने इनकम्पैटिबिलिटी और कम्पैटेबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया था पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में थर्ड डिवाइस क्या है इन ब्रीडिंग का सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी देर इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रवेंट सेल्फ पोलन ऑफ द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द दूल्स बाय देखिए देखिए इस बात को समझिए पहले देयर इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म यहां पे एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पोलन को सेल्फ पोलन का क्या मतलब हुआ सेल्फ पोलिनेशन का क्या मतलब हुआ पोलन एंड सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और क्या करता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द अव्यूल अगर सेम एंथर जाके डिपॉजिट सेम फ्लावर के एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए और पोलन ट्यूब बन गई तो इस चीज को वो प्रिवेंट करता है तो फिर इसलिए क्या किया जा रहा है कि जो पोलन जर्मिनेशन है पोलन जर्मिनेशन पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल हम चाहते हैं ऑटोगेमी को प्रिवेंट करना सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो थर्ड डिवाइस क्या है कि जो आपका पोलन ग्रेन है उसकी जब लैंडिंग होती है स्टिग्मा के ऊपर तो इनहिबिट किया जाता है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इन द स्टाइल ऑफ द पिस्टल पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की जो फॉर्मेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है ठीक है जी तो ये कुछ बातें ये हैं कि अगर एंड हम चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना जिसे मैं ऑटोगी कहती हूँ अनदर डिवाइस टू प्रवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्चुअल फ्लॉर बहुत सिंपल बात है ये तो कि सेल्फ पॉलीनेशन का को प्रिवेंट करने का क्या है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्चुअल फ्लार अगर फ्लार यूनिसेक्सुअल है एक फ्लॉर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ए अदर फ्लॉर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है वेरी ईजी पॉलिनेशन हो जाएगी ट्रांसफर ऑफ एंथर ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा मेथड है टू प्रिवेंट ऑटोगेमी नेक्स्ट क्या कहता है इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट अगर दोनों मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है सेम प्लांट पे उसने एग्जाम्पल दिया कैस्टर और मेज़ का मोनोइशियस तो इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गिट ऑनोगेमी तो कहते हैं अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है सेम प्लांट पे तो क्या प्रिवेंट करेंगे ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे ये एक्सेप्शनल केस है इसमें आगे देखते हैं इनसेवरल स्पीशीज सच एस पपया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स are present on different plants. That is, each plant is either male or female. देखिए तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत सारी स्पीशीज होती hai उसने example दिया papaya का कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स मेल और जो फीमेल फ्लावर्स है they are present on different plants. अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स आई कैन ईजिली से दैट दिस इज मेल फ्लावर बिकॉज इट हैज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन साइड इट एंड इट इज द फीमेल फ्लॉर बिकॉज इट हैज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन राइट सो दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोस ऑटोगी एंड गिट ऑनोगी तो हमारा मकसद जो है जो हमारा एम था दैट वॉज टू प्रवेंट ऑटोगी दैट इज नाउ कंप्लीट आगे देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन देखिए पोलन पे सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए चल रहे हैं आप डबल फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ सकते जब तक आपने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का लेक्चर नहीं सुना स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट ऑफ मेलगेमेटोफाइट पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन ओव्यूल के स्ट्रक्चर जब तक ये सारे स्ट्रक्चर्स आप नहीं पढ़ेंगे क्लियर नहीं होगा तब तक डबल फर्टिलाइजेशन नहीं समझ आएगा हम इसमें ये नहीं कर सकते कि ये वाला टॉपिक कर लें और पीछे वाला छोड़ दें ऐसा कुछ नहीं होगा सो दिस इज हैपनिंग इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इसको एक्सप्लेन करते हैं हम कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है अब अगर आपको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन याद हो तो मैंने कहा था कि अगर स्टिग्मा और एंथर uh, में स्टिग्मा और पोलन में अगर सिंक्रोनाइजेशन होगी जो स्टिग्मा है अगर पोलन स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट हो गए तो उस हमारे जो पिस्टल है उसने बता दिया कि यस, इट इज कंपेटेबल पोलन देन पोलन ग्रेन विल जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर गए स्टिग्मा पे इट विल लीड टू द डिवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब चली जाएगी एंड पोलन ट्यूब कंटेन टू मेल दिस गोलन ट्यूब विल एंटर द इंटू दूल द ओव्यूल थ्रू दिन योर फिली फॉर्म ऑपरेटस तो वहाँ पे जाएगी अब हमें इतना पता है हमारी पोल ट्यूब में दो मेल गविट प्रेजेंट है और ये कहाँ जा रहे हैं सीधा ओव्यूल में जा रहे हैं जहाँ किसके थ्रू जा रहे हैं सिनरज में पहुँच रहे हैं थ्रू द फिली फॉर्म ऑपरेटिस फिली फॉर्म ऑपरेटिस फंक्शन क्या है एंट्री ऑफ पोल इन टू दूर राइट तो यहां से आफ्टर एंट्रिंग वन ऑफ दॉलेंड ट्यूब सिर्जिड में एंटर कर गई थ्रू द फिली फॉर्म ऑपरेटस फिली फॉर्म ऑपरेटस कहा प्रेजेंट थे फिल यू विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल यू विल कम टू नो दैट फिली फॉर्म ऑपरेटर्स वॉज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल। तो अगर अव्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो इस तरह का कुछ था माइक्रोपाइल एंड था चलेजल एंड था यहाँ पे पेड थे और यहाँ पे फिलीफाम थे ऐसा कुछ था तो जो हमारी जो पोलन ट्यूब है हैविंग टू मेल आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा इट विल लीड टू द डिवेल्पमेंट ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब विल डिप वायल पासिंग थ्रू द स्टाइल इट विल रीच टू द ओवरी इट विल रीच टू द दिनर्जि थ्रू द फिल्ली फॉर्म ऑपरेटस यहाँ तक क्लियर होगी बात ये सारा पहले पार्ट में मैंने टीच कर दिया आफ्टर एंटरिंग मन ऑफ दब आपकी जो पोलन ट्यूब है एंटर करगीर्जिड में क्या हुआ वहां जाके दोलन ट्यूब रिलीजेज द टू मेल गिट्स इन टू द साइटोप्लाजम ऑफ दिनर्जिट तो जो पोलन ट्यूब है उसने दो मेलगेमीट रिलीज कर दिए Into the of the जाके, ने क्या किया जो उसके बाद दो मेल गिलीज कर दिए वन ऑफ द मेल गूव टूआर्ड्स द एग एक गांधा जाएगा मूव टूआर्ड्स द एग सेल एंड इट्स न्यूक्लियस एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ हमारे पोल जो पोलन ट्यूब थी कंपैटिबल पोलन की उसमें क्या था दो मेल गेमीट्स थे उसने क्या किया दोनों मेल गीट्स जाके सिनर्जिट्स में सिनरजिट्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए उनमें से एक मेल गीट एक मेल गीट कहाँ चला जाएगा एग सेल के पास वहाँ जाके फ्यूज का हो जाएगा और सिनेगामी का प्रोसेस हो जाएगा सिनेगैमी आई थिंक आपको अंडरस्टैंड है कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज नॉन एज सिनगेमी तो एक मेल सेल के साथ फ्यूज कर गया वो मूव कर गया टुवर्ड्स द एग सेल और उसके न्यूक्लियस के साथ जाके फ्यूज कर गया और क्या कर दिया उसने वहां पे कंप्लीट कर दिया प्रोसेस ऑफ सिंगेमी दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल डिप्लॉड सेल और फर्टिलाइज्ड सेल को क्या कहते हैं डिप्लॉइड सेल और इसका नंबर क्या होता है टू एन एक मेल गमीट ने एग सेल के साथ डिप्लॉयड सेल बना दिया क्या बन गया जी जायगोट मेल और फीमेल गमीट्स जब फ्यूज करते हैं मेल गमीट इज हैप्लॉयड फीमेल गमीट इज आल्सो हैप्लॉयड व्हेन दे बोथ फ्यूज दे फॉर्म ए डिप्लॉयड सेल हैविंग द नंबर टू एन ये सब पता होना चाहिए द अदर मेल गमीट जो दूसरा मेल गमीट है दैट मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल जो सेंट्रल सेल है वहां पे क्या कहाँ कौन आ जाता है दूसरा मेल गीट कहाँ मूव करता है टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल अगर आपको याद हो थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर तो मैंने बताया था कि सेंटर में ना टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल सेल के एक टू पोलर न्यूक्लिया एक हमारे पास अब मेल गीट रह गया है वो कहाँ आ गया टू पोलर न्यूक्लिया के पास आ गया इनके साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोसफॉम ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पॉम ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोसफॉम थ्री ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोसफाम जिसे कहते हैं कि पी तो यहाँ पे थोड़ी सी बात क्लियर हो रही है कि ये रही आपकी यहाँ पे हुआ यहाँ जर्मिनेशन हुआ पॉलन ग्रेन का ये पोल ट्यूब बनी ये जा रही है अंदर इस तरह से इसने एंटर करना है सिनर्जिट्स में ये रहे सिनर्जिट्स यहाँ पे क्या था फिली ऑपरेटर्स था ये अंदर चली गई इसके पास थे दो मेल के मीट इसके पास क्या थे टू मेल के मीट थे इसने एक मेल के मीट जो है इसे एक के साथ फ्यूज कर गया और क्या बन गया डिप्लाइड हो गया जी एक डिप्लाइड सेल हो गया उसके बाद क्या हुआ इसमें से जो एक ये हमारा मेल का मीट है ये चला गया सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियर के पास वहां पे जाके इन्होंने क्या बना दिया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पॉम ट्रिपलॉयड प्राइमरी एंडोस्फाम ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्फाम बना दिया जिसे कहते हैं थ्री तो मैं कह सकती हूँ ये बात कि जो पोलन ट्यूब में दो मेल गीट थे पोलन ट्यूब में दो मेल गीट थे एक मेल गीट जाके सिनरज में उसके सिनरज में सेल के साथ एक्सेल के साथ फ्यूज कर गया सिनर्जिट्स में या के उसके सेल के साथ फ्यूज कर गया क्या बना दिया जायगोट बना दिया दूसरा जो मेलगे था वो सेंट्रल सेल के पास चला गया वहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई था वो उसके साथ फ्यूज कर गया तो ये थ्री कंडीशन बन गई ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्फाम बन गया ठीक है जी तो इसीलिए इसको यहाँ दो बार फर्टिलाइजेशन होती है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्पलॉयड न्यूक्लिया जो मेल है हमारे पास सेंट्रल uh, सेल है वहां पर टू पोलर न्यूक्लिया है सेंट्रल सेल में टू पोलर न्यूक्लियाई हैं ये जो टू पोलर न्यूक्लियां हैं ये एन हैप्लॉयड है एक और हेप्लॉयड जाके जुड़ गया तो ये थ्री हैप्पलॉयड न्यूक्लिया बन गए थ्री अप्लाइड न्यूक्लियर तो मैं इसे ट्रिपल फ्यूजन कह सकती हूँ क्वेश्चन इस पे आता है अ क्वेश्चन कम अबाउट कैन आल्सो बी कम ऑन द ट्रिपल फ्यूजन तो क्यों इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जा रहा है क्योंकि दो तरह के फ्यूजन हुए हैं इसमें एक तो सिनगैमी हुई है एक ट्रिपल फ्यूजन हुई है मेल गैमी के साथ जो पोलर न्यूक्लिया यूनाइट किए हैं उसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन और कौन सी हुई है सिन्गामी हुई है ये सब किसमें हो रहा है एम्ब्रोसाइट में सो इस फिनोमिना को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन और ये डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है दिस इज अ वेरी यूनिक फिनोमिना प्रेजेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स दैट हाउ डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस राइट सो विद दिस मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ़ द चैप्टर इज कवर्ड विद दिस लेक्चर लिटल बिटल छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं दैट विल आई होप विल कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर बट यू जस्ट कीप फॉलोइंग एन सी आर टी बुक मोस्ट जो आगे के टॉपिक्स होंगे वी विल टेक इन लाइव क्लासेज थैंक यू